एवरीवन, गुड मॉर्निंग मेरा वीडियो के साथ। और आज मैं आप लोग को दिखाने वाला जिस वजह से मैं रिटर्न मारने वाला है घर, क्योंकि मेरा इतना बदकिस्मत है ना कि क्या ही बोलेगा कि मेरा जैसे बदकिस्मत आदमी कहीं मिलेगा ही नहीं ऐसा लगता है मेरे को। फिर कल मैं फाइबर नया लगा कर आया था, फिर मेरा फाइबर फिर टूट गया गैस, और फिर आज घर रिटर्न मारना ही पड़ेगा। और ये कहीं वाटर प्रूफ बोला था पूरा, आज तो पूरा मेरा कपड़ा वगैरह स्लीपिंग बैग सब कुछ भीग गया है, और पूरा बारिश अंदर पानी घुस गया है। आप लोग को दिखाते हैं, तो चलो ये मेरा फाइबर 10 का फाइबर टूटने वाला, आप लोग को दिखाते हैं। और मैं आज कैसे भी करके मतलब हैंडल करके बैठा हुआ, आज मैनेज करके बैठा हूँ मैं, क्योंकि रस्सी से बनकर रखा हूँ मैं, और पूरा टूट गया है फाइबर मेरा। और अभी घर में रिटर्न मार कर फिर जिस जगह में मेरा डेस्टिनेशन में जाने वाला था वो डेस्टिनेशन फिर बेच करके रखना पड़ेगा। फिर घर में जाकर 2-3 दिन रहेगा, 2 ऐसे 3-4 दिन रहने के बाद फिर मैं निकल सकूँगा। अभी जैसे तैसे भी निकल नहीं सकूँगा, क्योंकि अगर फाइबर टूट गया तो बिना टेन के हिसाब से तो मैं हम लोग रह नहीं पाएंगे। तो चलो देखा था आप लोग को, अब ये खुलकर देखा था आप लोग को, ये देख सकते हैं ये पूरा इधर इधर से पूरा फट गया है फाइबर मेरा, और नया लेकर रखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं ये रस्सी से बंध कर रखा रात में, मैं पूरा इतना तकलीफ से, ये आप लोग देख सकते हो ये बेन होने वाला। और आप कितना पानी आया वो भी दिखाते हैं, तो चलो ये देख सकते हैं इसको बिछा कर रखा था मैंने, ये देख सकते हैं पूरा पानी पानी ये अंदर, ये पूरा पानी पानी है अंदर में, और ये सब देख सकते हैं ये ट्रिपल वगैरह चमकने वाला। और ये कपड़ा से मैंने रात को पानी सुखाया था, मतलब वो सब देखा था। और मेरा स्लीपिंग बैग भी सब कुछ भीग गया है, ये रेनकोट वगैरह भी पूरा भीग गया, कलर ही अलग हो गया देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कितना पानी घुसता है अंदर में, पूरा पानी अंदर घुस गया गाइस। और मेरे को नया टेंट लेना पड़ेगा, अच्छा वाला टेंट। और साइकिल भी देख सकते हैं, साइकिल भी कितना गंदा है, ये गंदा होकर रखा है। और ये पेट्रोल पंप में ठहरा था मैंने आज, तो आप लोग को अभी फिर घर में रिटर्न जाने की, और इधर में मेरा एक रिश्तेदार रहता है उसका घर में जाएंगे हम, और उसका घर में 1-2 दिन ठहर कर घूमेगा उसका घर में। और अभी फ़ोन करूँगा उसको, अभी फ़ोन करके फिर उसका घर में जाऊँगा मैं, उसका घर में थोड़ा बहुत खेलेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे घर के लिए। घर मेरा ज़्यादा एक ही दिन में पहुँच जाएगा, मेरा इतना दूर में नहीं गया, 105 किलोमीटर ही दूर आया मैं। और मैं इधर में कल ठहरा था, फिर बरसात भी बहुत ज़्यादा बरसात जोर से बरसा रहा था, इसकी वजह से मैं इधर ठहरना पड़ा। तो मिलते हैं गाइस आप लोग के साथ रास्तों के साथ और नज़ारों के साथ, तो चलो गुवाहाटी से जाने वाला था। फिर इधर रंगिया में मेरा रिश्तेदार एक रहता है, उसने फिर बुला रहा, फिर जाना पड़ेगा मेरे को वापस। फिर 10 किलोमीटर आगे आज मतलब सुबह में फोन किया था, सुबह में फोन नहीं उठा था, फिर अभी बुला रहा मेरे को, और फिर मैं रिटर्न मार कर फिर उसका घर में जा रहा है, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम हो गया, जब मैं मुंबई में था तब से मेरे को बुला रहा था, फिर मैं जा नहीं पाया। और मेरा रिश्तेदार का गाँव में जाते हैं, और उधर में आप लोग को दिखाते हैं उधर का मतलब गांव का लोकेलिटी का एरिया आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो चलो अभी रास्ता के साथ नज़ारों के साथ मिलते हैं जुलते चलते हैं, अभी हम भूटान रोड होकर जाएंगे, तो चलो।
रास्ते पर चल रहा है ना, वही रास्ता भूटान में सीधा निकलता है और लगभग भूटान इधर से 40-50 किलोमीटर से होगा शायद। और मैं अभी इस जगह में, मेरा आज का डेस्टिनेशन है वो अभी 2.9 किलोमीटर से अभी भूटान पहुँचने का, फिर थोड़ा बहुत फिरेंगे। और इधर में काफ़ी ज़्यादा गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, अच्छे से चलता है, फिर रास्ता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। और रास्ता भी मैं अगर मैं सीधा जाता तो उधर मैं रिटर्न नहीं मारता तो मैं इधर पहुँचने वाला था, गुवाहाटी तक तो पहुँचने वाला था अभी, फिर मैं रिटर्न मार चुका है। तो अभी मिलते आगे का नजरों का सर रास्ता पैदा चालू। उस जगह में पहुंच चुका है गाइस, और इधर में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरे को और काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा लग रहा है मेरे को। प्लास्टिक वगैरह भी नहीं देख रहा है, पूरा तरह हरियाली हरियाली देख रहा है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब रास्तों का बीच है, खेत थी, इसके वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को चलते चलते। और इधर में मेरे को आधा रास्ते तक लेने आया है मेरा बहन है, वो लेने आया है, और अभी मैं उसका पीछे पीछे लगभग उसके पीछे पीछे ही चल रहा। मतलब मेरे को पहले भी आया था मैंने, फिर मैं इतना याद नहीं था, मैं भूल गया था। और इधर मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब राइड करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे सीढ़िया वगैरह का आवाज़ के साथ सीढ़िया वगैरह को। इधर मैं गाड़ी का हॉर्न नहीं उठाएगा हम लोग का, और इधर मैं सीढ़िया का आवाज़ से उठना पड़ेगा तो। और इधर मैं रास्ता वास्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देख रहा है रास्ता, ऐसे ऐसे शांति मिलेगा ना तो कहीं नहीं मिलेगा ऐसे इसके जैसे शांति। और कितना खूबसूरत लग रहा है और अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो मिलते हैं आगे में। अभी आ रहा था इधर आसाम में और रंगिया में, इधर मैं पहुंच चुका और इधर में मेरा पापा का बहन है, इधर मैं पहुंच चुका गाइस। और अभी जिस तरह मैं सिक्किम जाने वाला था, मेरा डेस्टिनेशन सिक्किम था, फिर मैं सिक्किम जा नहीं पाया, मेरा टेन का फाइबर वगैरह सब कुछ टूट चुका था। और टेन भी अंदर का प्लास्टिक वगैरह अच्छा नहीं था, पूरा पानी घुस गया था बरसात का टाइम, मेरा सब कुछ सामान स्लीपिंग बैग कपड़ा वगैरह सब कुछ सामान राइस वगैरह सब कुछ भीग चुका है। और इसकी वजह से मैं फिर घर के लिए रिटर्न मार चुका था। इधर से मैं लगभग 30 किलोमीटर से मैं आगे जा चुका था गुवाहाटी की तरफ से, मैं गुवाहाटी पहुँचने में लगभग 10-15 किलोमीटर ऐसे बाकी था, फिर मैं फिर रिटर्न मारा उधर से वापस आया। इसके वजह से मैं अभी पहुँचा थोड़ी देर पहले, एक मिनट भी नहीं हुआ और अभी पहुँचा मैं। और इधर मैं आज ठहरेंगे, कल सुबह में निकल जाएंगे फिर घर के लिए, फिर 2-3 दिन के बाद फिर मैं सिक्किम के लिए निकलेंगे फिर ट्रेन को लेकर। तो मिलते हैं गाइस और नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो के साथ। और तो ये वीडियो यहाँ में ख़त्म करता है गाइस, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करता हूँ। फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस, ताकि हम मेरा वीडियो आप लोग देख सके और ताकि हम आगे बढ़ सकूँ। बाय बाय गाइस।